पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। भारत के खिलाफ उसकी कोई मनमानी नहीं चलेगी। भारत के खिलाफ जहर उगलते जरदारी को अब कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हिंदू आतंकवाद पर बयान देकर बड़ी मुसीबत जो मोल ले ली। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत के प्रति जुबान गंदी हो चली है। उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला है और उसमें अब पाकिस्तान भी कनाडा से अपनी सच्ची यारी निभाने के लिए निकल पड़ा। जरदारी ने भारत को हिंदू आतंकवादी देश घोषित करने की मांग कर दी। अब सवाल यहाँ ये है कि ये चूजा जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, वो कहाँ से आखिर इतनी हिम्मत लेकर आ रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ खूब बयानबाजियां कर रहे हैं, खूब आग उगल रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना अपने भविष्य को समझे हुए भारत के खिलाफत कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल जरदारी इसमें अपने लिए मौका ढूंढ रहे हैं, कनाडा की हां में हां मिलाते हुए भारत के खिलाफ वो भी जहर उगलने पर उतारू हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को एक हिंदू आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। हिंदू आतंकवाद, ये शब्द काफी सुना सुना सा लगता है ना। अपने ही देश में पनपा है, अपने ही देश के महान राजनीतिज्ञों ने इसे हिंदू आतंकवाद का नाम दिया है। शुरुआत भगवा आतंकवाद शब्द से की गई थी, जब तत्कालीन गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने समझौता एक्सप्रेस और कुछ प्रमुख मुस्लिम धार्मिक स्थलों के खिलाफ विस्फोटकों की पृष्ठभूमि में भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा था। तारीख थी 25 अगस्त 2010, जिस दिन डीजीपी और आईजी के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पी चिदंबरम ने कहा था, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिशों में कोई कमी नहीं है। भारत में युवा पुरुषों और महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा हाल में भगवा आतंकवाद सामने आया है, जो अतीत में कई बम विस्फोटकों में पाया गया है। There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. और फिर कांग्रेस का ये हिंदुओं से नफरत का सिलसिला यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ था। एक एक कर बहुत से कांग्रेस नेताओं ने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद शब्दों के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का बार बार प्रयास किया गया, जिसके बाद अब बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि भारत को हिंदू आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये शब्द हिंदुस्तान से निकला और आज पाकिस्तान इस शब्द की वकालत कर रहा है। सवाल ये है कि हिम्मत पाकिस्तानियों को ये आखिर मिल कहाँ से रही है? इतनी हिम्मत जरदारी आखिर ला कहाँ से रहे हैं, जिनका अपना कोई ईमान नहीं है, अपना वजूद नहीं है। जो मिला वो भी विरासत में मिला और अब जिन टुकड़ों पर पल रहे हैं वो कर्ज के टुकड़े हैं। आखिर किस हैसियत से जरदारी इतना उछल रहे हैं कि भारत की 80% जनता का वो अपमान करने में लगे हैं? कहां से बल मिलता है इस चूजे को? किसके सहारे चलकर भारत के खिलाफ ऐसी बातें करने का, ऐसा अनाप शनाप बोलने का ये देश साहस दिखा सकता है? जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये भारत में 80% हिंदू आबादी के बीच रह रहे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के ही नेता हैं, जिनकी वजह से जरदारी की ऐसी जुबान खुल गई है। ये देश के ऐसे नेता हैं जो खुद ही अपने देश की 80% आबादी का सम्मान नहीं करते। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द इन्होंने ऐसे गढ़े हैं और फिर अब तो बात सनातन के अपमान की भी आ गई। इन लोगों ने सिर्फ हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को ही नहीं गढ़ा, बल्कि आज बात ये करते हैं सनातन धर्म के सर्वनाश की, सनातन के अपमान की। सनातन जो उस समय से है जब कोई संगठित धर्म अस्तित्व में नहीं था, और क्योंकि जीवन जीने का कोई और दूसरा तरीका भी नहीं था, इसलिए इसे किसी नाम की जरूरत भी नहीं थी। सत्य को सनातन कहा गया। सनातन शब्द सत और तत् से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है ये और वो। सनातन वो जिसका ना आदि है और ना ही अंत है। और जब इसी सनातन पर ये कांग्रेस और कांग्रेस के साथी सवाल उठा सकते हैं, इसे बीमारी बता सकते हैं, इसके खात्मे की बात कर सकते हैं, तो भला जरदारी को हिम्मत क्यों ना मिले? अपने देश में ही हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बयानबाजियों को सुनकर जरदारी को मौका मिलता है और फिर ये चूजा भारत के खिलाफ जहर उगलता है। भारत को हिंदू आतंकवादी देश
घोषित करने की मांग करता है। अरे अपने गिरेबान में झांक जरदारी, अपने आप को देख, एहसास होते देर नहीं लगेगी कि तू कौन है और तेरी औकात क्या है, जो तू भारत पर इतनी ओछी टिप्पणी करने की हिम्मत जुटा पा रहा है। लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कनाडा ने भारत के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगाया है और भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। फिर जरदारी ने पश्चिमी देशों से सवाल किया है, आखिर कब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर पश्चिम में हमारे मित्र, भारत से जुड़ी ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करते रहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि भारत एक दुष्ट हिंदुत्ववादी आतंकवादी राज्य बन गया है। इसके बाद जरदारी यहाँ रुक जाते तो भी ठीक था, लेकिन नहीं, यहाँ तो जरदारी ने जैसे अभी शुरुआत ही की हो और फिर कश्मीर का राग अलापे बिना भला कैसे जरदारी को चैन मिल सकता था। बिलावल ने बिना सबूतों का दावा किए हुए कहा, पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में भारत के जासूस शामिल हैं, जिनमें से कई को पकड़ा गया है, उन्हें नाटो सदस्य देश की संप्रभुता का उल्लंघन करते पकड़ा गया। ये न केवल कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है। इसके बाद जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आह्वान करती है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कनाडा के लोगों के साथ खड़े होने और धार्मिक फासीवादी यानी आज के भारत के अत्याचारों को उजागर करने का आह्वान करना चाहिए। तो अब बिलावल बताएंगे कि पूरी दुनिया को भारत के साथ क्या करना चाहिए। बिलावल समझाएंगे कि भारत को क्या कहा जाए और क्या नहीं। बिलावल बताएंगे कि भारत में रहने वाले लोग क्या हैं और क्या नहीं। किसने हक दिया है बिलावल को भारत पर टिप्पणी करने का? बिलावल जरा बताए कि वो कौन है जो भारत पर ये टिप्पणी करने की हिमाकत कर पा रहे हैं। बिलावल को भूलना नहीं चाहिए कि भारत आए थे तो क्या हुआ था और फिर उनके भारत से लौटने पर क्या हुआ था, कैसे पाकिस्तान की आवाम ने उनको लानत मलानत भेजी थी, कैसे पाकिस्तान की आवाम भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को सही ठहरा रही थी, बिलावल का बैंड बजा रही थी, खूब ट्रोल कर रही थी पाकिस्तान की आवाम और वो जरदारी, कनाडा की भारत से बात क्या बिगड़ी, आ गए आग में घी डालने। बिलावल दूर रहो, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ज्यादा पास आओगे तो जल जाओगे। हालांकि भारत ने इस एक बात पर अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा है, हो चाहे कुछ भी, लेकिन भारत अपनी अखंडता के साथ कभी भी कोई भी समझौता नहीं करेगा। कोई चाहेगा वो तो भी वो भारत को छू नहीं पाएगा और वो दिन दूर नहीं है जब जस्टिन ट्रूडो को भी अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि इन सब में उनका साथ सिर्फ पाकिस्तान जैसा देश ही दे सकता है, बाकी कोई भी भारत का हितैषी कनाडा के साथ नहीं आया, न ही किसी ने इस बारे में कुछ भी कहना जरूरी समझा। बल्कि मोदी सरकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की भूमिका का सीधा आरोप लगाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोदी सरकार ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया और एक वरिष्ठ राजनयिक को 5 दिन के भीतर देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। वैसे पाकिस्तान की सरकत पर जरदारी की भारत के खिलाफ गंदी जुबान पर और कनाडा में भारत के खिलाफ बने माहौल पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।